हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर ट्यूशन क्लासेस। आज हम रेशियो चैप्टर में क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे। देखें क्वेश्चन 9 में क्या कैलकुलेट करना है हमें। फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन ऑफ एच लिमिटेड कैलकुलेट डेट इक्विटी रेशियो। डेट मीन्स कर्जा, कंपनी के ऊपर कितना कर्जा है, उसके सामने कंपनी का अपना इक्विटी कितना है। इक्विटी मीन्स कैपिटल होता है। सो डेट इक्विटी रेशियो। नाउ डेट इक्विटी रेशियो का पहले मैं आपको फॉर्मूला बता दूं। डेट इक्विटी रेशियो इक्वल्स टू डेट दैट इज नॉन करंट और लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज डिवाइड बाय इक्विटी और शेयर होल्डर्स फंड। शेयर होल्डर्स का अपना फंड कितना है वो देखा जाता है, सामने लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी कितनी है। शेयर होल्डर्स फंड होता है इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लसेस माइनस डेबिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये होता है शेयर होल्डर्स फंड एंड लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज। सो क्वेश्चन नंबर 9 में देखेंगे कि हमें डेट कितने दिए हुए हैं कंपनी के ऊपर। सो लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज में कौन कौन सी लाइबिलिटीज हैं। एक तो लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज एंड लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। सो ये हैं कंपनी के डेट। तो कंपनी के डेट कौन से होंगे, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज विच इज 8 लैक्स एंड लॉन्ग टर्म प्रोविजंस विच इज 4 लैक्स। सो टोटल कंपनी के ऊपर 12 लाख रुपीस के डेट हैं। नाउ शेयर होल्डर्स फंड। शेयर होल्डर्स फंड जैसे मैंने आपको बताया, ये फॉर्मूला है शेयर होल्डर्स फंड की, इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस प्रेफरेंस प्लस रिजर्व माइनस डेबिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सो शेयर होल्डर्स फंड में है इक्विटी शेयर कैपिटल 8 लाख रुपीस प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 2 लाख रुपीस एंड माइनस डेबिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 50,000। सो टोटल करेंगे 8 + 2 = 10, 10 - 50,000 9 lakh 50,000। सो ये हो गया इनका अपना फंड और ये हो गया इनके डेट, दोनों हमारे पास हैं अवेलेबल। सो फाइनली हम डेट इक्विटी रेशियो कैलकुलेट कर लेंगे। सो फाइनली डेट इक्विटी रेशियो इक्वल्स टू डेट डिवाइड बाय शेयर होल्डर्स फंड so that is 12 lakhs, shareholders fund is 9 lakh 50,000, divide करेंगे तो ये है 1.26:1। इसका मतलब होगा कि इन्हें 1 rupees की कैपिटल के सामने 1.26 का डेट है इनके ऊपर, मींस कर्जा है कंपनी के ऊपर। सो ये देखिए स्टूडेंट्स, यहां पर छोटे से सम्स दिए हुए हैं, छोटे से सम्स। यहां पर आपको फॉर्मूला लिखनी है तो आप लिखोगे इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल माइनस डेबिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और डेट में लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज प्लस लॉन्ग टर्म प्रोविजंस।
सो ऐसे आपको सम्स दिए होंगे डेट इक्विटी रेशियो, ये था क्वेश्चन नंबर 9। नाउ क्वेश्चन नंबर 10 में भी ये आप नोट डाउन कर लीजिए यहां पर। इतना नोट डाउन कर लीजिए, तो क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। क्वेश्चन 10, सो क्वेश्चन 10 में क्या कैलकुलेट करना है? फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन ऑफ एम लिमिटेड कैलकुलेट डेट इक्विटी रेशियो। यहां पर भी डेट इक्विटी रेशियो है दिया हुआ है। करंट लाइबिलिटीज, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज एंड टोटल एसेट्स। देखिए इक्विटी दिया ही नहीं हुआ है यहां पर, इक्विटी हमें मिसिंग रख दिया है। सो अगर इक्विटी मिसिंग है तो कैसे डेट इक्विटी रेशियो कैलकुलेट होगा? सो इस पॉइंट को समझिए, मैं लाइंस फिर से बता रहा हूं। हर लेक्चर में मैं ये बात बताता हूं कि मैं लाइंस पेन से ड्रॉ कर रहा हूं, आपको पेंसिल से ड्रॉ करनी है। एसेट्स लाइबिलिटीज, यहां पर इक्विटी ही मिसिंग रख दिया है। तो मैं सबसे पहले एक बैलेंस शीट बना रहा हूं और बैलेंस शीट में से मैं आपको इजीली इक्विटीज कैसे कैलकुलेट करते हैं वो कैलकुलेट करके बता रहा हूं। नाउ सबसे पहले यहां पर आता है इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल, और मैं क्वेश्चन मार्क रखता हूं कि वो मिसिंग कर दिया इन्होंने, नहीं बताया है कि इक्विटी शेयर कैपिटल कितना है। नाउ ये तो मिसिंग कर दिया है, बाकी की वैल्यूज देखें क्या क्या दिया हुआ है। सो लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज दी हुई है, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज 8 लैक्स, देन लॉन्ग टर्म प्रोविजंस भी दिए हुए हैं, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस 4 लैक्स, करंट लाइबिलिटीज भी दी हुई है, फोर लैख 50,000, एंड टोटल एसेट्स दिए हुए हैं। अब ध्यान से समझना इस पॉइंट को, टोटल एसेट्स 30 लैक्स। अब मुझे नहीं पता एसेट्स में फिक्स्ड एसेट्स कितने हैं, इन्वेस्टमेंट्स कितने हैं, करंट एसेट्स कितने हैं, मुझे नहीं पता, लेकिन टोटल एसेट्स 30 लैक्स दे दिए। अब आप इतने सारे फाइनल अकाउंट्स कर आए हो 11th और 12th में, आपको पता है ये बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट में एसेट्स एंड लाइबिलिटी साइड का टोटल सेम होता है। सो यहां पर अगर टोटल एसेट्स 30 लैक्स के हैं तो टोटल लाइबिलिटीज भी 30 लैक्स की होंगी, जितने एसेट्स उतनी ही लाइबिलिटी, अगर एसेट्स 30 लैक्स के हैं तो लाइबिलिटी भी 30 लैक्स की होंगी। अब एसेट्स एंड लाइबिलिटीज 30 लैक्स के हो गए, ये तो हमें पता चल गया, ये है टोटल ऑफ एसेट साइड, टोटल ऑफ एसेट्स, और ये है टोटल ऑफ लाइबिलिटीज। नाउ इस टोटल ऑफ लाइबिलिटीज में से अगर 30 लैक्स में से 450 करंट है, 4 लैक्स लॉन्ग टर्म प्रोविजन है, 8 लैक्स लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज हैं, तो बाकी इक्विटी कितने होंगे, मिल जाएंगे हमें। सो 30 लैक्स में से हम माइनस करेंगे 4,50,000 माइनस 4 लैक्स माइनस 8 लैक्स, तो ये हमें मिल गया 8 लैक्स प्लस 4 लैक्स प्लस 450 माइनस 30 लैक्स, 13,50,000।
सॉरी लॉन्ग टर्म प्रोविजन 6 लैक्स दिए हुए हैं, मिस्टेक है, मैंने 4 लैक्स लिख दिए, लॉन्ग टर्म प्रोविजन 6 लैक्स हैं, ये मेरी मिस्टेक है, यहाँ पर 6 लैक होंगे। सो 30 लैक्स माइनस 450 माइनस 6 लैक्स माइनस 8 लैक्स, सो इक्विटी 11,50,000 आ गया। फिर से बता रहा हूँ, ये मिस्टेक है, मैंने 4 लैक लिख दिया था, 6 लैक है। सो टोटल एसेट्स 30 लैक्स, टोटल लाइबिलिटीज 30 लैक्स, और उसमें से हमने ये तीनों माइनस कर दिए तो इक्विटीज मिल गए। अब क्या है, अब हमें डेट इक्विटी रेशियो कैलकुलेट करना है। तो डेट इक्विटी रेशियो का फॉर्मूला ये रहा, जस्ट हम अभी लिख कर आए हैं। डेट इक्विटी रेशियो डेट डिवाइड बाय शेयर होल्डर्स फंड, डेट डेट मीन्स लॉन्ग टर्म। लॉन्ग टर्म क्या है, ये दोनों है इनके पास, 8 लैक्स प्लस 6 लैक्स, 14 लैक्स के डेट हैं, डिवाइड बाय शेयर होल्डर्स फंड में ओनली इक्विटी शेयर्स हैं 11,50,000। सो हम डिवाइड करेंगे 14 लैक्स डिवाइड बाय 11,50,000, तो ये आ जाएगा आंसर 1.2173 है, तो 1.22 रेशियो 1, ये हो जाएगा इसका आंसर। सो यहाँ देखिए क्वेश्चन में आपको जो मेन पॉइंट चाहिए इक्विटी शेयर्स वो ही नहीं दिए हुए थे। सो हमने पहले इक्विटी कैलकुलेट किया, कैसे, बैलेंस शीट बना दी एक हमने, बैलेंस शीट से हमें इक्विटीज मिल गए, और इक्विटी में से फिर हमने बाकी डेट इक्विटी रेशियो कैलकुलेट कर लिया। सो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 10, स्टूडेंट्स नोट डाउन कर लो ये यहाँ पर। ये लेक्चर मैं यहाँ ही पूरा कर रहा हूँ, नेक्स्ट लेक्चर में हम कंटिन्यू करेंगे क्वेश्चन नंबर 11।